फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग। फूड इंडस्ट्री में इंडिया काफी आगे बढ़ गया है और इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहला ये कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज्यादा है और जिस देश में इतनी पॉपुलेशन हो उस देश में फूड इंडस्ट्री का ग्रोथ तो तय है। और अब आते हैं दूसरी वजह यानी फैक्ट पर। दोस्तों, भारत में लोगों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और इस वजह से फूड इंडस्ट्री में मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कारोबारी इस इंडस्ट्री में काफी तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इंडिया में लगभग 53% यानी 53% बिजनेस फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ऐसे में फ्रूट पल्प का बिजनेस करना बेहद प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और आज IID इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में आपको बताएगा इस बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी। तो आइए जान लेते हैं इस बिजनेस से जुड़ी रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड एरिया के बारे में। तो सबसे पहले मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, गुआवा, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी मशीनों की। रिपनिंग चैम्बर, फ्रूट वॉशिंग मशीन, फ्रूट पिलिंग मशीन, फ्रूट कटिंग मशीन, फ्रूट डीसीडिंग मशीन, फ्रूट पल्पर मशीन, फ्रूट पल्प सेंट्रीफ्यूज, बॉयलर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फ्रूट पल्प पैस्चराइजर, होमोजेनाइजर, कैन रिंसिंग एंड फिलिंग मशीन, कैन सीमर, कैन स्टेरलाइजिंग मशीन, कूलिंग टैंक, कैन लेबलिंग मशीन, पंपिंग स्टेशन, कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, एक्सपेंशन वेल्व, फैन कॉइल यूनिट विद एवेपोरेटर, कोल्ड चैम्बर, वेइंग मशीन। ये सभी मशीनों की मदद से आप फ्रूट पल्प को तैयार कर सकते हैं और इन मशीनों के साथ आपको प्लांट सेटअप करने के लिए करीबन 6,000 से 8,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इसे स्मॉल स्केल पर करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ आप इसे शुरू कर सकते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको अलग अलग तरह के फ्रूट्स जिनका आप पल्प बनाना चाहते हैं उसे फार्मर से खरीद कर लाएं, फिर उसकी क्वालिटी चेक करें और इसके बाद रिपनिंग चैम्बर में फ्रूट्स को पूरी तरह तैयार होने दें और फिर फ्रूट वॉशिंग मशीन से फ्रूट को धोकर आगे पीलिंग मशीन में डालें, जहां पर उनको पीलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। इस प्रोसेस में फ्रूट के छिलके उतार दिए जाते हैं। इस स्टेप के बाद फ्रूट्स को कटिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां फ्रूट डीसीडिंग मशीन और कटिंग मशीन उनके बीज निकालकर उन्हें काट देती है। कटिंग के बाद पल्पर मशीन उन फ्रूट्स का पल्प बना देती है और एक सेंट्रीफ्यूज पल्प का गाढ़ापन आवश्यकता अनुसार मेंटेन करता है और उसके बाद पल्प का पैस्चराइजेशन प्रोसेस होता है। पल्प को पैस्चराइज करने के बाद उसे होमोजेनाइज कर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। अब आपका फ्रूट पल्प तैयार है और इसे बोटल्स, कैंस आदि में भरकर आप इसे पैक कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रोसेस के बाद अब आपको बताते हैं इसमें यूज होने वाले मैन पावर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो जहां तक दोस्तों बात है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप स्मॉल स्केल पर अगर इस बिजनेस को चला रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। वहीं मैन पावर की अगर बात करें तो बड़े स्केल पर आप 30 से 35 लोगों के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में आप इसे 10 लोगों के साथ भी शुरू कर सकते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज रेजिंग दैट वेयर वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बिग बाजार, बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेच सकते हैं। साथ ही आप अपने एरिया के होलसेल और रिटेलर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, यानी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए होने वाले खर्च की। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? तो बता दें, स्मॉल स्केल पर आप इसे 300 केजी पर आर प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 25 से 27 लाख रुपए हो सकती है। वर्किंग कैपिटल एंड अदर फिक्स एसेट्स मिलाकर आप इसे 50 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा मैन पावर के साथ भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। फॉर एन एग्जाम्पल,
अगर आप मैंगो पल्प रेडी कर रहे हैं तो पर केजी हम उसे लगभग 100 रुपए में सेल कर सकते हैं। वही रॉ मटेरियल एंड अदर कॉस्ट विद कन्वर्जन कॉस्ट मिलाकर इसे 70 से 80 रुपए में तैयार कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग हम पर केजी मिनिमम 20% तक का ग्रॉस मार्जिन अर्न कर सकते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट की डिमांड एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। लाइसेंस, तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा बड़े लाइसेंसेस की जरूरत नहीं होगी। आप FSSAI, GST और उद्योग आधार के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। आपका बिजनेस आपका सपना है और आपके सपने को साकार करने में IID आपकी मदद करेगा। फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग यूनिट बिजनेस को शुरू करने और अच्छी तरह चलाने के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस या गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।